नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वह हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 24 तारीख को धरना प्रदर्शन रहा, 25 तारीख को ट्विटर अभियान रहा और आप लोगों के संघर्ष का यह नतीजा रहा है कि दरोगा भर्ती की जो प्रक्रिया है वो अब आगे बढ़ चुकी है। साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी ने एक रिजल्ट भी जारी कर दिया। लिखा है, दरोगा के 9534 पदों पर होगी भर्ती, 1 अप्रैल से होगी आवेदन। भर्ती बोर्ड ने जारी किया विज्ञापन, अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक भर सकेंगे फॉर्म। आप सभी जानते हैं कि किसी भी भर्ती के आने से पहले सूचना न्यूज़ समाचार पत्रों में आपको मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन दरोगा भर्ती की कोई सूचना आपको नहीं मिली है और आनन फानन में आप देखेंगे कि जो भर्ती है उसको शुरू कर दिया गया। यह आपके संघर्षों का ही नतीजा है। आप लोगों ने मिलकर के यह जो संघर्ष किया है उसी का यह परिणाम है। तो इस तरह से मित्रों, आप अपनी क्षमता, अपनी ताकत और एकता को, छात्र एकता को पहचानें, साथ रहें, संगठित रहें और संघर्ष जारी रखें जब तक कि आपका उद्देश्य पूरा नहीं होता। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की तरफ से। लिखा है कि जो CET की जो परीक्षा है उसकी आंसर की जारी करने के बाद अब जो है रिजल्ट का इंतज़ार है। उम्मीद लगाई जा रही है कि मार्च के पहले सप्ताह में रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है। हालांकि अभी ऑफिशियल कोई डाटा नहीं मिला है ऐसा, लेकिन ये है कि जो अटकने लगाई जा रही हैं वो ये कि मार्च के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट भी CTET का जारी हो सकता है। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है वे सभी अभ्यर्थियों के लिए जो जूनियर भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, CTET का एग्ज़ाम दिए हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, अब CET के बाद होगी बैंकों में भर्तियाँ। आप सभी जानते हैं कि जैसे PET की परीक्षा कराना चाह रहा है UPSC, ठीक उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट भी CET की परीक्षा कराना चाह रहा है और सेंटर में भी CET की परीक्षा के बाद दिया है कि जो बैंकों में जॉब निकलनी है, वैकेंसी आनी है, वह जो है उसी के बाद आपको देखने को मिलेंगी। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल आ रही है वो है JPSC से। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। इसमें 2021 में होने वाली सभी परीक्षाओं को शामिल किया गया है। लॉकडाउन की वजह से पिछले साल जारी परीक्षा कैलेंडर में 2 बार संशोधन करना पड़ गया था। JPSC की ओर से इस बार कृषि विभाग के सहायक निदेशक और अनुमंडल कृषि अधिकारियों के पदों के लिए अप्रैल के तीसरे सप्ताह में 5 दिनों का इंटरव्यू, असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा हेतु कोर्ट के निर्देश के बाद होने की बात कही। वहीं खनन विभाग के साइंटिफिक ऑफिसर के लिए मार्च के तीसरे सप्ताह में इंटरव्यू, नगर विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 23 से 25 मार्च को मेन्स परीक्षा और 21 जून से इंटरव्यू। इसके अलावा नगर विकास के अकाउंट के ऑफिसर के लिए आप देखेंगे 27 से 29 मई तक मुख्य परीक्षा की बात कही गई है। तो इस तरह से एक नया परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। 66वीं प्रीलिम्स री एग्ज़ाम की आंसर की जारी कर दी है। प्रत्याशी bpsc.bih.nic.in पर जाकर के इसे चेक कर सकते हैं। आंसर की पर आपत्ति भी दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए उम्मीदवार के पास सपोर्टिंग एडवांस होने चाहिए। उम्मीदवार निर्धारित फॉर्मेट में अपनी आपत्तियां BSP की साइट पर जमा कर सकते हैं। आपत्ति भेजने की आखिरी तारीख 8 मार्च शाम 5 बजे तक है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित। यह भर्ती प्रक्रिया भी आप जानते हैं काफ़ी दिनों से लंबित थी और अब जो है इसका रास्ता साफ हो गया, भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। लिखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हिंदी के सर्वाधिक 162 पद, अशासकीय महाविद्यालयों में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, 50 विषयों में कुल 2003 पदों पर होनी है भर्ती, पाठ्यक्रम संशोधित। पहले ही दिन तकनीकी अड़चने में फंसी ऑनलाइन आवेदन, यानी कुछ बच्चे जो ऑनलाइन आवेदन शुरू किए तो उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि भर्ती प्रक्रिया शुरू है, दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी और आप सभी सकारात्मक रूप से फॉर्म भरते रहें।
उसी से संबंधित अलग अलग समाचार पत्रों में अलग दिया है। देखिए यहाँ 2002 पदों की भर्ती की बात किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन शुरू, और साथ ही साथ यह भी दिया है कि कौन सी विषय की कितनी पद निर्धारित किए गए हैं, कितने पद हैं। और आप सभी जानते भी हैं कि विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत यह जो भर्ती है वो प्रक्रिया चल रही है। भर्ती में लगभग 49 विषय शामिल किए गए हैं, 8 विषयों में 100 से अधिक पद हैं और सर्वाधिक पद जो है वो हिंदी में है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है जो जो डिग्री कॉलेज में होने वाली भर्ती प्रक्रिया है उससे संबंधित। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल आई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में, माध्यमिक शिक्षक चयन बोर्ड की जो बात है वह फिसड्डी सिद्ध हो रहा है। वहाँ दिया है कि फंस गया चयन बोर्ड। आप देखेंगे 2011 की जो वैकेंसी है प्रधानाचार्य आदि की, उस पर अभी तक ना इन्होंने रिजल्ट जारी किया है। 2021 चलने को आया, 2021 चल रहा है, उसके बाद भी अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि 2016 की बायोलॉजी अभ्यर्थियों की परीक्षा की, तो उसकी भी इनके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है उन लोगों को। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है वह प्रेस विज्ञप्ति के रूप में दिए गए ज्ञापन से संदर्भित है। दिनांक 25 फरवरी को प्रतियोगी मोर्चा अध्यक्ष विक्की खान तथा अनिल उपाध्याय ने लखनऊ में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से उनके आवास पर मुलाकात की तथा हिंदी योजना जारी की गई थी कि शीघ्र नियुक्ति के लिए उन्हें ज्ञापन सौंपा होगा। इसके साथ ही उन्होंने उसमें परीक्षा का रद्द कराया कि अफसर शाही फरवरी की आज जो है 26 तारीख को भी फरवरी समाप्त होने में लटकी हुई है। उन्होंने इसे ना कोई एग्जाम संज्ञान में लेने की बात भी कही। पड़ा हुआ है साथ ही साथ आप देखेंगे कि सरकार का पूरा प्रयास है कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले ही इन दोनों विषयों की नियुक्ति कर दी जाए। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों का टीजी टीपीजी तथा प्रधानाचार्य 2021 का संशोधित विज्ञापन अतिशीघ्र जारी कर दिया जाए तथा जल्दी से ही वे चयन बोर्ड के इस संदर्भ में निर्देश देंगे, लेकिन उन्होंने कोई निश्चित तिथि देने में असमर्थता जाहिर की। कुल मिलाकर के भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन कब बढ़ेगी यह निश्चित नहीं हो पा रहा है। ना सरकार इसमें शासन व्यवस्था साथ दे रही है, ना जिनको निकालना है वो सिर्फ अभ्यर्थी धरना करके परेशान हैं, थके हारे हैं। हाँ, उनका कुछ प्रभाव दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से कुछ वैकेंसियाँ आई हैं। देखिए आगे दिया भी है, निषादों के बाद अब गरमाया युवाओं का मुद्दा। प्रियंका गांधी ने हिंदुस्तान की खबर संग ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्वीट के साथ यह सहयोग किया अभ्यर्थियों का रोजगार के मुद्दे को लेकर के, लेकिन सबके बाद भी खुले तौर पर साथ न आने की वजह से अभी भी छात्र संघर्ष जारी है। उनको इन लोगों की ज़रूरत है, ये लोग सहयोग करें तो कुछ और भी अच्छा हो सकता है। इन्हीं सारी सूचनाओं के साथ मित्रों सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।